आज सबसे पहले हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्या रेखा द्वारा जोड़ने की विधि के बारे में समझते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पूर्ण संख्या रेखा होती क्या है या पूर्ण संख्या रेखा कहते किसे हैं। पूर्ण संख्या रेखा वो संख्या रेखा होती है जिसका प्रत्येक बिंदु एक पूर्ण संख्या प्रदर्शित करता है। समझ गए आप लोग? पूर्ण संख्या रेखा वो संख्या रेखा होती है जिसका प्रत्येक बिंदु एक पूर्ण संख्या प्रदर्शित करता है। आइए अब हम इसे एक उदाहरण द्वारा और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें किसी पूर्ण संख्या रेखा द्वारा पूर्ण संख्या 9 प्रदर्शित करनी है तो हम इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर रेखा X और Y एक संख्या रेखा कहलाती है और P और Q एक पूर्ण संख्या रेखा कहलाती है। अब यदि हमें इस संख्या रेखा एक्स वाई पर पूर्ण संख्या 9 प्रदर्शित करनी है तो सबसे पहले हम शून्य से चलेंगे और संख्या रेखा के 9 बिंदुओं तक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ बिंदुओं तक संख्या रेखा से आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हम 9 तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार हम पूर्ण संख्या रेखा 9 को इस प्रकार हम पूर्ण संख्या 9 को पूर्ण संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मान लीजिए हमें दो पूर्ण संख्याएं 4 तथा 5 जोड़ना है तो इसे हम पूर्ण संख्या रेखा पर कैसे जोड़ेंगे। देखिए इसके जोड़ने के लिए हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि हमें दो पूर्ण संख्याएं 4 और 5 को आपस में जोड़ना है तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा x तथा y बनाते हैं। एक्स वाई बनाने के बाद हम शून्य से संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कहाँ तक चलते हैं, बिंदु 4 तक आने के बाद इसका मतलब ये होता है कि हम 4 तक पूर्ण संख्या 4 तक पहुँच गए और 4 पर आने के बाद फिर हम आगे कितने बिंदुओं तक बढ़ते हैं, फिर हम आगे 5 बिंदुओं तक और बढ़ते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम पूर्ण संख्या रेखा 9 पर पहुँचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 का योग करने पर हमारा योग क्या हुआ, 9 हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग कि पूर्ण संख्या रेखा क्या होती है, समझ गए अच्छी तरह। ठीक है, आइए क्या आप जानते हैं किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने के लिए योग के नियमों का जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम योग के नियमों के बारे में बात करते हैं। योग के महत्वपूर्ण 4 नियम होते हैं। योग का पहला नियम होता है योग का संवरक नियम। इस नियम के अनुसार यदि a तथा b कोई दो पूर्ण संख्याएं हों और उनका योग c आए तो c भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। आइए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए माना हमारे पास कोई दो पूर्ण संख्याएं a तथा b हैं। अब जब हम इनका योग करते हैं तो हमारा योगफल माना c आता है, तो c भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। यही हमारे योग का संवरक नियम कहलाता है। इसे हम एक सारणी द्वारा भी समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। सारणी हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं कि सबसे पहले पूर्ण संख्या धन पूर्ण संख्या बराबर योग, उसके बाद हम निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में क्या देखते हैं कि योग उसका पूर्ण संख्या है कि नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि 5 धन 5, 5 धन 7 को अगर जोड़ा जाए तो उसका योग 12 आता है। अब 12 क्या होगा, 12 भी एक पूर्ण संख्या होगी। और अगर शून्य को 8 में जोड़ते हैं तो क्या योग आता है, 8 आता है। 8 भी क्या होती है, 8 भी एक पूर्ण संख्या है। अब यदि कोई पूर्ण संख्या 3 है
और उसमें कोई पूर्ण संख्या तीन का योग करते हैं तो उसका दोनों का योग क्या आता है, छः। अब हम छः को देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि छः भी एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार अगर हम कोई पूर्ण संख्या शून्य लेते हैं और उसमें कोई दूसरी पूर्ण संख्या दो का योग करते हैं तो योगफल दो आता है। अब दो को हम देखते हैं तो क्या पता चलता है कि दो भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि योग का संवरक नियम ये कहता है कि यदि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो उनका योग भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, समझ में आया योग का संवरक नियम क्या होता है। आइए अब हम आपको योग के दूसरे नियम अर्थात योग के क्रम विनिमय नियम के बारे में बताते हैं। ठीक है, योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई दो संख्याएं, दो पूर्ण संख्याएं ए तथा बी हैं तो उनका अगर हम क्रम बदल दें यानी अगर बी धन ए कर दें तो उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए इसे भी हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लिया हमारे पास कोई दो पूर्ण संख्याएं ए तथा बी हैं। ठीक है, अब ए तथा बी को जोड़ने पर जो योग आता है वही योग इसके क्रम को बदलने पर यानी बी धन ए को जोड़ने पर योग आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों संख्याओं के क्रम को बदलने से योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यही योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। आइए अब हम इसे पूर्ण संख्या रेखा द्वारा भी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं तीन और चार। सबसे पहले हम इनका योग पूर्ण संख्या रेखा द्वारा करके देखते हैं कि योग क्या आता है। आइए देखते हैं। तीन तथा चार को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा एक्स वाई के शून्य से आरंभ करते हैं, चलना आरंभ करते हैं और शून्य से तीन बिंदु तक चलते हैं तो फिर हम पूर्ण संख्या तीन तक पहुंचते हैं। और फिर उसी दिशा में अगर हम चार बिंदु और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम पूर्ण संख्या सात पर पहुंच गए। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि तीन और चार को जोड़ने से उसका योग क्या आता है, सात आता है। और अब हम इसे दूसरी तरह से यानी इसका क्रम बदल कर देखते हैं। अब यदि हम चार और तीन को यानी उसके पहले तो हमने तीन और चार को जोड़ा लेकिन अब हम देखते हैं कि यदि हमें चार और तीन को जोड़ना है तो सबसे पहले हम शून्य से चलना प्रारंभ करेंगे और चार बिंदु तक चलेंगे। इसका मतलब हम चार पूर्ण संख्या चार पर पहुंचते हैं। अब हम इसी दिशा में तीन बिंदु और आगे चलेंगे तो हम पूर्ण संख्या सात पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चार और तीन को जोड़ने पर सात आया। इस प्रकार दोनों को मिलाकर हम ये देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में योगफल समान होता है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीन और चार को जोड़ने पर भी योग सात ही आया और चार और तीन को जोड़ने पर भी योग सात आया। इसका मतलब ये हुआ कि योग करते समय या जोड़ते समय उसके क्रम का योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं या यही योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। आइए अब हम आपको योग संक्रिया सारणी के बारे में बताते हैं कि योग संक्रिया सारणी क्या होती है। आइए देखते हैं। ये है हमारी योग संक्रिया सारणी। इसमें क्या होता है, इस सारणी की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये सारणी अपने मुख्य विकर्ण के सापेक्ष दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम मुख्य विकर्ण के दाई पक्ष देखें तो
तो भी वही संख्या होती है, और बाई तरफ देखें तो भी वही संख्या होती है। कहने का तात्पर्य ये है, ये होता है कि योग संख्या सारणी की मुख्य विशेषता ये है कि इसका मुख्य विकर्ण इसे दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। और इसकी दूसरी विशेषता ये होती है कि इसके जोड़ने के क्रम का योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम देखते हैं जैसे हम देखते हैं अगर अगर शून्य में जैसे हम देखते हैं अगर शून्य में एक का योग किया जाए तो उसका योग क्या आता है, एक ही आता है। और अगर उसका क्रम बदल कर यानी एक में अगर शून्य को जोड़ें तो भी उसका योग एक ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि योग संक्रिया सारणी की दूसरी मुख्य विशेषता ये है कि इसका क्रम बदलने पर इसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे हम क्रम विनिमय नियम की भी पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई क्रम विनिमय नियम क्या होता है। आइए अब हम योग के तीसरे नियम अर्थात शून्य का योग नियम के बारे में बातें करते हैं। देखते हैं शून्य का योग नियम क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए अगर शून्य में कोई पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हमने शून्य में माना कोई पूर्ण संख्या ए है और उसे जोड़ा तो हमें पुनः वही स्वयं वही संख्या ए फिर प्राप्त हो गई। जैसे हमने कोई पूर्ण संख्या ए ली और उसे शून्य में जोड़ा तो स्वयं हमें योग के रूप में वही संख्या पुनः प्राप्त हो गई। अब हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम कोई किसी पूर्ण संख्या को शून्य में जोड़ते हैं तो उसका योग वही पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि शून्य को योग का तत्समक अवयव भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि योग के शून्य का नियम क्या होता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, आइए अब हम योग के चौथे नियम अर्थात योग के साहचर्य नियम के बारे में बातें करते हैं। योग का साहचर्य नियम प्राय वहां इस्तेमाल होता है, वहां प्रयोग होता है जहां पर हमें किन्हीं तीन तीन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना हो। समझ में आई बात। योग का साहचर्य नियम प्राय वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर हमें तीन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है। आइए हम इसे देखते हैं। माना हमारे पास कोई तीन संख्याएं ए बी कोई तीन पूर्ण संख्याएं ए बी तथा सी हैं। ए बी तथा सी क्या है, हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं तो योग का साहचर्य नियम क्या कहता है कि अगर किन्हीं दो संख्याओं को जोड़कर अगर उसमें तीसरी संख्या जोड़ दी जाए और अगर दूसरी स्थिति में पहले प्रथम दो संख्याएं उनका क्रम बदलकर जोड़ दी जाए तो उनके क्रम का योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, समझ में आया योग का साहचर्य नियम क्या होता है। योग के साहचर्य नियम ये होता है कि अगर हमें किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो पहले जोड़े जाने वाली कोई दो संख्याओं का तीसरी संख्याओं में जब हम जोड़ते हैं तो उनके योग का अगर हम क्रम बदल कर पहले किन्हीं और दो संख्याओं को जोड़ें और उनमें तीसरी संख्या जोड़ें तो उनके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया हमारा योग का साहचर्य नियम। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर हमें कोई चार पूर्ण संख्याएं या चार से अधिक पूर्ण संख्याएं जोड़नी हो तो हम क्या करेंगे। इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हम कोई किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का दो सरलतम पूर्ण संख्याओं का समूह बना लेते हैं और समूह बनाने के बाद उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। आइए अब हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। माना
माना हमारे पास कोई चार पूर्ण संख्याएं 14, 438, 486 और 162 है। ये हमारे पास चार पूर्ण संख्याएं हैं। अब हमें इनका योग प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्वेच्छा से कोई दो संख्याओं का सरलतम समूह बना लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 14 और 486 का एक सरलतम समूह बना लिया। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार हम बाकी दोनों संख्याओं का यानी 438 और 162 का एक और समूह बना लेते हैं। समूह इस प्रकार से बनेगा जो कि हमें सरल लगे। अब हम 14 को 486 में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 500 मिलता है। इसका योग 500 आता है। अब इसी प्रकार अगर हम इस समूह में 438 को 162 में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 600 मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं 500 और 600 को जोड़ने से 1100 प्राप्त होता है। इस तरह हम लोग किन्हीं चार या चार से अधिक पांच या छह पूर्ण संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने पूर्ण संख्या रेखा द्वारा किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना सीखा और हमने योग के नियम के बारे में भी अच्छी तरह से समझा। दीक्षा 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 दीक्षा।